दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों के बारे में व्याख्या करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को प्रकाश में लाने वाला, और हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और हम जीवन पर्यंत जो है परोपकार का कार्य करें, ऐसे सूत्र देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया, सांगोपांग बनाया जाता है, और उसके अंदर जो शोध परक सामग्री डाली जाती है ताकि कि वह एपिसोड हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए, हर इंटरेस्ट के लिए, हर टेस्ट के लिए और हर मेंटल स्टेटस व्यक्ति के लिए उपयोगी बने। इसी क्रम के अंदर हम एक सुपर दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है परिचय जय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है ये। हमारे जीवन का निर्माण करने वाला है ये, हमारी आत्मा की शोधन करने वाला विषय है। परिचय जय का अर्थ होता है कि कष्ट सहिष्णुता, कष्ट को सहन करना, जो आने वाली तकलीफें हैं उसको बिना किसी प्रतिक्रिया के सहन करना, यानी समता भाव रखना, ये परिचय जय है। परिचय जय एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर हमारी नेचर माने यूनिबिल्ट करके एक प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारे ही नहीं, हर प्राणी के शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति डाली है कि वो प्राणी जब इस सृष्टि में जीवन यापन करे और उसको किसी तरह से कीटाणु जो है उसको बीमार करने लग जावे, तो वह उसके अंदर ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि उन कीटाणुओं के अगेंस्ट लड़ते हैं और उन पर विजय पाते हैं। उनको हम टी शेल्स कहा करते हैं और बी शेल्स कहते हैं। टी शेल्स जो है लड़ाकू जो है हमारे जो है वो शेल्स होती हैं, जो कि कोई बैड एलिमेंट्स भीतर आ गया, जो कि ऐसा वायरस भीतर आ गया जो कि हमें बीमार डाल देता है, हमको अस्वस्थ बना देता है, उसके ऊपर हमारी टी शेल झपटती है। जिस तरीके से चोर के ऊपर पुलिस कैसे झपटती है, जिस तरीके से सीमा के ऊपर सैनिक जो है शत्रु पर कैसे झपटता है, जिस तरह जो है शेर शिकार पर कैसे झपटता है, उसी तरह से वो झपटती है और उसका स्वाहा कर देती है ताकि हमारे शरीर में रोग के कीटाणु न जाए। उसी तरीके से परिचय जय जो है हमारे शरीर में आने वाले कष्टों को संभाव से सहन करना। वैसे ये जो कष्ट है कुल 22 तरीके के होते हैं, 22 परिचय जय कहलाते हैं। जैसे कि मच्छरों का काटना, उसको सहन करना, सर्दी का है, गर्मी का है, स्त्री का यानी ऑपोजिट जेंडर का है, और उसके बाद में प्रतिष्ठा का है, लाभ का है, हानि का है, और इसके लिए कई कई तरह के जो ऐसे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनको संभाव से सहन करना। उनको संभाव के सहन करने से क्या होता है, खास तौर से आज इस एपिसोड में ये बताना चाहता हूँ। और जैन धर्म की प्रक्रिया के अंदर परिचय जय जो है समता का सर्वोत्तम साधन माना गया है, ये एक मोक्ष का मार्ग माना गया है कि जो व्यक्ति परिचय जय करता है उसको धीरे धीरे आत्मा शुद्ध होकर के वह सिद्ध बुद्ध और मुक्ति बनती है। और हर जो है जैन धर्म के अंदर जो दीक्षा लेने वाला साधु होता है इनको 22 तरह के परिचय जय करने ही होते हैं, और उनको जय करने से, उनको जीतने से ही वही जितेंद्रिय बनता है और वह वीतराग बनता है, और राग द्वेष को जीत करके और वह वीतराग बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। उसी तरीके से हर ग्रस्त का व्यक्ति अगर परिचय जय करता है तो वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वह प्रज्ञा चक्षु बन जाता है। हमारे गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिष्ठा तिरस्कार, लाभ, हानि,
किसी भी तरह के जो अवरोध आते हैं जीवन के अंदर, अनुकूल प्रतिकूलता के, उसके अंदर समभाव रखता है, जो दोनों को समान समझता है, दोनों को एक तराजू पर तोलता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। और कहीं पर इसको प्रज्ञा चक्षु बताया जाता है कि समभाव रखने वाला, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने वाला। जब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति विचलित नहीं होता है तो कोई कठिन से कठिन परिस्थिति भी, समस्या उसको जो है विचलित नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है। और व्यक्ति जब किसी से प्रभावित नहीं होता है तो निश्चित तौर से उन्नति होती है। सबसे बड़ी उन्नति है वो आत्मशोधन की उन्नति होती है। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, सारी सृष्टि को जानता है, और गूगल का जब ज्ञान खोलता है तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति तो मैं ही हूं जो कि सब कुछ जानता हूं। लेकिन वास्तव के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति वह जो अपने खुद को जानता है, जो स्वयं का अध्ययन करता है, मैं कौन हूं इसके बारे में जानकारी करता है। इसकी जानकारी करने के लिए परिचय जो है एक बहुत ही सुंदर विषय है, निश्चय जगत के लिए और व्यवहार जगत के लिए। निश्चय जगत के अंदर वो लोग जाना चाहते हैं जो कि अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर चढ़ना चाहते हैं। जो हमारी शरीर के अंदर जो आत्मा है वो बद्ध आत्मा है, उसके साथ कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जो है वो लगी हुई है, वही हमें सुख दुख की अनुभूति कराती है और 84 लाख जीवा योनि के इस चक्र के अंदर घुमाती रहती है। लेकिन परिचय जय करने से जो है हम प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर के और जो इस कार्मण शरीर को विलीन करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि परिचय जय करने से शरीर को तो कष्ट होता है, नॉर्मल रूप के अंदर कोई व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता है, हर व्यक्ति आराम चाहता है, आनंद चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। लेकिन परिचय जब किया जाता है, सर्दी को सहन किया जाता है, गर्मी को सहन किया जाता है, धूप छांव को सहन किया जाता है, तिरस्कार और जो है उसके बाद के अंदर जो है अपने तिरस्कार और अपने सम्मान को से दोनों को एक सम्मान तय किया जाता है, लाभ हानि को एक सम्मान जो है सहन किया जाता है, तो उस स्थान के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है। लेकिन जब शरीर को कष्ट पहुंचने के साथ साथ ही हमारा जो कार्मण शरीर है उसको ताप लगता है, वो तपता है। कार्मण शरीर कैसे तपता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पास दूध है, हम उस दूध को सीधा अग्नि पर गर्म नहीं कर सकते, सीधा अग्नि पर डालेंगे अग्नि बुझ जाएगी। उसको हमें गर्म करना है तो हमें एक भगोले का सहारा लेना पड़ेगा। उस दूध को हम भगोले में डालते हैं, नीचे से अग्नि डालते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर परमाणु जो है वो विकसित होकर के और धीरे धीरे उस दूध को गर्म कर देते हैं। तो देखिए तपता तो भगोला है, लेकिन जो है वो गर्म कौन होता है, गर्म दूध होता है। उसी तरीके से हर परिचय जय के अंदर हमें अपने शरीर को तपाना पड़ना है, उपवास करना है, ये वगैरह इनके अंदर शरीर को तपाना पड़ता है। लेकिन वास्तव के अंदर वो गर्मी जो है जाती है कार्मण शरीर को, और कार्मण शरीर को जाने से जिस तरीके से दूध के अंदर जो है वो बुलबुले उठते हैं, दूध के अंदर परमाणु ऊपर उठ करके उसको गर्म करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो कर्म शरीर के अंदर, जो कार्मण शरीर और कॉजल बॉडी के अंदर जो कर्म के परमाणु होती है उसमें टर्बुलेंस होती है, वो शिथिल होते हैं और शिथिल होकर के धीरे 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 डिटैच हो जाते हैं। इस डिटैचमेंट को निर्जरा कहा जाता है। और मानव जीवन का जो सबसे बड़ा अर्थ है, साधना का अर्थ है, वो अर्थ यही है कि हमारे साथ जो कॉजल बॉडी लगी हुई है उसके अंदर जो कर्म के कर्म रज है, कर्म बीज है, उन सबको अलग करके और आत्मा को प्योर फॉर्म में लाना, और जो कर्म शरीर है वह हमारा जड़ रूप में है, पुद्गल रूप में है, उसको जब पुद्गल को जो कि लंबे समय से अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है उसको अलग करना, आत्मा प्योर फॉर्म में आ जाएगी और ये परमाणु जो है वो कार्मण शरीर प्योर फॉर्म में आ जाएगा, दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। दोनों का सेपरेशन होने से आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी। देखिए
ये परीक्षा जय की बहुत बड़ी आध्यात्मिक व्याख्या हो गई। मैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात करना चाहूंगा कि क्योंकि ज्यादातर लोग सामान्य व्यक्ति से होते हैं पांच महाव्रती तो वो होते हैं जो पुरुषार्थी होते हैं, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। धर्म की प्रक्रिया पांच महाव्रत का कठिन पालन करना और परिचय जय को वह शत प्रतिशत पालन करना, ये बड़ा महारथी ही कर सकता है, पांच महाव्रत धारी कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो पांच महाव्रती बने, तो वह अनुव्रती बनता है। अनुव्रती का मतलब छोटे छोटे नियमों का पालन करके और वह भी अपने गंतव्य सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसके लिए भी यही लागू है, कोई अलग रास्ता नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि घर के अंदर मान लीजिए कई लोग हम साथ रहते हैं, तो एक व्यक्ति चला करके तू मैं करता है, गाली देता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, और दूसरे वाला सामने वाला व्यक्ति मौन रहता है, चुपचाप रहता है, और वो जो है जहर के घूंट पी लेता है बिना कोई भी कष्ट सहन किए, यानी वो सहन करता है। ये जो सहन करना है यही परिचय जय है, यही कष्ट सहिष्णुता है। और शब्दों के बाणों को सहन करना तो सबसे कठिन कार्य है। जब वो सहन कर लेता है तो जब शिवजी ने जो है जहर का प्याला पी लिया तब वो नीलकंठ कहलाए, दुनिया की तकलीफ को उन्होंने हर करके और उस दुनिया की तकलीफ के रूपी जहर को पिया और वो नीलकंठ कहलाए। उसी तरीके से जो व्यक्ति परिचय जय करता है वो नीलकंठ बन जाता है, वो अपनी शुद्धि को प्राप्त करता है। आप सैकड़ों उदाहरण है, आप देखिए कि हम दुनिया में जीते हैं, समाज के अंदर जीते हैं, कई बार हमारा सम्मान होता है, कई बार हमारा तिरस्कार होता है, दोनों स्थिति के अंदर हम समान रहें, तिरस्कार हो तो भी हमें किसी तरह का डिप्रेशन नहीं आए, किसी तरह की जो हमें व्याकुलता ना हो, और हमारा सम्मान हो तो भी हम फूले नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर ही परिचय जय कहलाता है। जो व्यक्ति इसमें ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति सुपर बन जाता है, वह व्यक्ति इस मनुष्य शरीर के अंदर ईश्वर रूप धारण कर लेता है और बहुत अच्छी क्वालिटी को प्राप्त कर लेता है। तो परिचय जय भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक बहुत ही सुंदर विषय है, ये जीवन में एप्लीकेबल किया जाना चाहिए। अगर 7 अरब की जनसंख्या जो आज इस विश्व में सृष्टि में जी रही है सभी परिचय जय करे, अपने आने वाले कष्टों को सहन करे और उस कष्टों के अंदर कोई विलाप नहीं करे। देखिए किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी आ गई, कर्मजन्य बीमारी है, आ जाती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है धर्म करने का साधन है। साथ साथ ये भी कहा है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर है वो व्याधि का मंदिर है, हर क्षण व्याधि आती रहती है, पर उस व्याधि के अंदर आदमी निराश नहीं होता, निरुत्साहित नहीं होता और उसको सामान्य भाव से सहन कर लेता है, ये परिचय जय कहलाता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति को झेलना परिचय जय कहलाता है। हमारे घर के अंदर बहुत कुठारापात हो गया, हमारा एक प्रिय व्यक्ति चला गया, गार्जियन चला गया, घर का पालन पोषण करने वाला अगर चला जाता है उस समय हम सब्र रखते हैं, उस समय के अंदर हम शांति रखते हैं, वार्तालाप, हम जो है विलाप नहीं करते, हम आर्त ध्यान नहीं करते, तो ये परिचय जय है। देखिए कोई व्यक्ति गरीब है और उसको खाने के भी लाले पड़ते हैं लेकिन फिर भी वो निराश नहीं होता, वह पुरुषार्थ करता है और उन कष्टों को सहन करता है और सहन करते करते एक दिन वह भी अमीर बन जाता है। क्योंकि ये जितने भी संजोग आते हैं ये परमानेंट नहीं है, हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। आज सुख है, सुख परमानेंट नहीं है, आज दुख है, वो दुख परमानेंट नहीं है, दोनों आने वाले हैं, दोनों जाने वाले हैं। परिचय जय के सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति जानता है कि आज जो मुझे प्राप्त हो रहा है वह भी जाने वाला, एक दिन मेरे से बिछुड़ने वाला है, इसीलिए वह उस स्थिति के अंदर सामान्य रहता है। उस स्थिति के अंदर न तो वो अधिक प्रसन्न होता है और न विपरीत परिस्थिति आने पर निराश होता है, सामान्य होता है। ये तो धूप छांव की तरह है, ये तो रोज आएगी, सुख दुख तो आते रहेंगे, जाते
आते रहेंगे, लेकिन हमें सामान्य रूप में रहना है, यही परिचय जय है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति बनना है समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर और विश्व के अंदर, तो आने वाले कई परिचयों को हमें झेलना पड़ेगा। आज राजनीतिक दृष्टिकोण पे हम दृष्टिपात करें तो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी कितने परिचय जयी है, कितने विपक्षी लोगों के वो ताने सहन करते हैं, और हमारा जो शत्रु पाकिस्तान है वो किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, वो जहर के घूंट पीते हैं लेकिन उसका बदला जो है संतुलित तरीके से वो देते हैं। उनके मन के अंदर जो है जनता के प्रति भावना है, जनता की सेवा की भावना है, उस भावना से ओतप्रत होकर के सभी आने वाले कष्टों को वो सहन करते हैं। वो महावीर है, वो परिचय जयी है, वो हमारे का आइडियल है, हमारे का आदर्श है कि योगी का जीवन जी करके और जो परिचय जय करके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को किस तरीके से बिना निराश हुए वो संतुलित रहते हैं, और इसी कारण इतने बड़े 31 करोड़ जो जनता वाला देश है उसको बड़े ही सहज तरीके से उसका संचालन कर लेते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कभी आपने सोचा कि एक 5 लोगों का परिवार का घर में भी तू मैं हो जाती है, कई बार असंतुलन हो जाता है, उस घर को चलाना भी कई बार हमें कठिन हो जाता है, जबकि 31 करोड़ की जनता जिसमें मुंडे मतिर भिन्ना, सबके अलग अलग विचार, सबके अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग रुचियां, और हमारे यहाँ तो बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है, तो उन कटाक्ष को भी सहन करके और उनको व्यक्ति कोई गालियां दे उनको भी सहन करके, और वो जो है वो कष्ट जही बनते हैं, परिचय जही बनते हैं, तो हमारे सामने एक रोल मॉडल है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने आपको बताया कि परिचय जय चाहे हमारा सामान्य जीवन हो और उच्च अवस्था में जाना चाहें तो आप अध्यात्म को इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत बना लें। जो जो हाँ परिचय जय, जो जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आती रहेगी उनको सहन करते रहेंगे तो हमारा कार्मण शरीर है, हमारा कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, ये तपता रहेगा और ज्यों ज्यों उसको ज्यादा ताप लगेगा ज्यों ज्यों उसके भीतर जो है वो कर्म रज है, कर्म के परमाणु हैं, शिथिल होते जाएंगे, शिथिल होते होते, और ये साधना ये जब विकसित हो जाएगी तो विकसित साधना होने के बाद के अंदर और पूर्ण रूप से जो कॉजल बॉडी जब तप जाएगी तो तप करके वो सारे कर्म परमाणु जो है रसायनिक क्रिया है ये, उससे शुद्धिकरण होकर के, सब्लिमेशन होकर के, और हमारा जो परमात्मा है, हमारा शुद्ध आत्मा जो कैद है शरीर के अंदर, वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। इसलिए भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय को वो एक लाइफ स्टाइल बनाया है, बताया है, और इसको जीवन जीने की पद्धति बताया है, इसको साइंस ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सामान्य व्यक्ति से लेकर के उच्च विचारक तक के व्यक्तियों के लिए बहुत ही सूत्र दिए जाते हैं कि किस तरीके से हमारा जीवन अच्छा बने, सुंदर बने, सही अर्थों में मानव बने, परोपकारी बने, लोगों के कष्टों को सहन करें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और आप शतायु होकर के अपने परिवार के साथ जीवन यापन करके आप समाज का परोपकार करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावें और शुद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगलमय।